नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, अभिवादन करती हूं। दोस्तों, एक बेहद दुखद समाचार है। मिल्खा सिंह को जो दौड़ते नहीं थे, उड़ते थे। कोविड ने उन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। सच, 30 दिन तक उन्होंने कोविड के साथ जंग लड़ी, लेकिन 30 दिन के बाद वो जंग हार गए और हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। महान भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात चंडीगढ़ के पीजीआई में निधन हो गया और वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उनकी उम्र इस समय 91 ईयर्स की थी और इस फर्राटा धावक को फ्लाइंग सिख कहा जाता था। बेशक इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये नाम उन्हें किन्हें दिया, किसने दिया, कैसे मिला, इसकी भी अपनी एक कहानी है जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान, जहां उनके माता पिता को उनकी आंखों के सामने दंगाइयों ने मार दिया था। 1958 के कॉमनवेल्थ में गेम्स में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। ये आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल था। हालांकि इसके बाद 1960 में रोम ओलंपिक में मिल्खा ने पदक से चूक गए थे। इस हार का उनके मन में बहुत मलाल था। इसके बाद 1960 में उन्हें पाकिस्तान से इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में न्योता मिलता है और मिल्खा सिंह वहां जाना नहीं चाहते। उनके मन में बंटवारे का बेहद दर्द था, वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। हालांकि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें काफी समझाया और उन्होंने फिर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक का जोर था। खालिक वहां के सबसे ज्यादा तेज धावक थे। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, दौड़ हुई। मिल्खा ने खालिक को हरा दिया और पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख का उन्हें नाम दिया। अब्दुल खालिक को हराने के बाद जब अयूब खान मिल्खा सिंह से मिले तो उन्होंने कहा, यार आज तुम दौड़े नहीं हो, तुम उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। और इसके बाद से ही मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है और पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने भारत के लिए ढेरों मेडल जीते और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है भारत के लिए जीता, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मिल्खा सिंह से जुड़े हुए और भी जो अपडेट होंगे वो मैं आपको देती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चूँकि मिल्खा सिंह के बारे में हर देश का व्यक्ति जानना चाहता है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।